Hello guys, welcome back to my channel again. You are watching Shubham Baba and I'm back with my new video. So, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं गांव था, गांव में जेसीबी वगैरह का काम करवाया और काफी सारे मैंने गांव में काम करवाए। मम्मी के साथ में मैं गया था और आज मैंने ब्लॉगर वाली टी शर्ट पहन रखी है। बाकी इसमें सलवटे वगैरह काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन ये टी शर्ट मेरे को टाइम के पे मिली थी और मेरे चाहने वाले ने मेरे को ये दी थी। चाहने वाले आप भी हो सकते हैं मेरे, आप भी कुछ देना चाहते हैं तो दिया करो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये इंस्टाग्राम हैंडल है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सरप्राइज आपको बताने वाला हूँ, तो सरप्राइज बताने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये जो रूम है ना इसका कलर भाई मैंने ही किया है और ये मेरे पूछे पूरे कैमरे वैमरे के बॉक्स रखे हैं, ट्राईपॉड रखा है, साउंड प्रूफ चीजें रखी है, आईफोन का डब्बा रखा है, शूज वगैरह देखो कैसे पड़े हैं। मैं 4 महीने बाद घर पे आया हूँ तो सेटल डाउन चीजें यहाँ पे नहीं है। बाकी वैसे मैं रहता हूँ तब भी सेटल डाउन नहीं होती, तब ज्यादा ही अनसेटल डाउन हो जाती है। मम्मी ही बेसिकली जितना भी सामान है उनको सेटल्ड करती है, उनसे चीजें सेटल नहीं होती। और ये चीजें मेरे ग्रुप्स में भी लोग जानते हैं। अभी देखो मैंने जींस यहाँ पे रख दी है, मैं दिन रात मतलब इस चीजों को इधर उधर करता हूँ ना, बिल्कुल 24 घंटे में ध्यान से करूंगा कि आज तो मेरे को चीजें अनसेटल करनी ही नहीं है, फिर भी मुझसे पता नहीं क्या अनसेटल्ड हो ही जाती है चीजें। बाकी ये मेरा कैमरा बैग रखा है और इस वीडियो में आपको सरप्राइज बताने वाला हूँ। सरप्राइज बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर। बाहर मेरे को काम है, मम्मी का मैंने जन आधार कार्ड बनवाया, तो कल जो मम्मी का आधार कार्ड है उस पर ना क्या OTP नहीं आता था, फोन नंबर लिंक नहीं था। कल मैंने पोस्ट ऑफिस में वो भी करवाया था, उसके बाद मैं गाँव गया था, गाँव जाने के बाद मैं शादी में गया था, शादी में जाने के बाद मैं सो गया था, फिर सोने के बाद आज का दिन है। जो आज के दिन में हम आपको बता रहे हैं कि आज मेरे को कुछ काम है नेट की दुकान पे, तो नेट की दुकान पे आपको लेके चलते हैं, वहां पे देखते हैं भाई क्या क्या सीन है। सो अब चलते हैं यार, बाहर चलते हैं, तैयार होते हैं फटाफट से। ये टी शर्ट में जाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी सलवट सी हो रही है, फिर भी देखते हैं चलते नहीं। और बाल थोड़े अनसेटल्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। साइड के बाल मैंने बड़े कर लिए, पहले तो मेरे साइड के बाल भी छोटे थे। वैसे मेरे बाल की लेंथ टोटल कितनी है पूछ सकते हो, इट मीन्स कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े बाल है, बाल पे भी एक ब्लॉग बनाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। व्हाइट टी शर्ट थी इसलिए मैंने इसके नीचे डार्क जींस पहन ली। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बना लिया, नीचे व्हाइट टी शर्ट है, फिर उसके नीचे डार्क जींस है, फिर ब्लैक गॉगल्स यहाँ पे मैंने लगा लिए ताकि एक परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन बन जाए। तो भाई मम्मी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ और इसी के साथ में ये जो सरप्राइज है ये इसके बारे में बताता हूँ आपको अभी। ये ही सरप्राइज है, तो मेन चीज तो बता दी है पर इसकी डिटेल बताता हूँ आपको क्या है क्या सीन है। तो भाई घर से बाहर हम निकल चुके हैं, ये वाली जो स्कूटी है दीदी की स्कूटी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो प्लीज मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल के साथ में देश से जुड़ी हुई बात भी है, तो प्लीज वीडियो को अब स्किप मत करना अगर यहाँ तक ही देख लिया है तो। जो हमारे चैंपियंस है रेसलर्स, जो टोक्यो से ओलंपिक से बड़े बड़े गेम से मेडल्स लेके आए हैं हम इंडियंस के लिए, इंडिया के नाम के लिए, इंडिया का नाम रोशन करके, जो सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ के इंडिया की कंट्री का नाम आगे करके जो मेडल लेके आए हैं, वो आज जंतर मंतर पे 3 महीने से बैठे हैं। कल उनके साथ में थोड़ा गलत हुआ है, गलत किस लेवल पे है वो सारी न्यूज़ में ही आप देख लेना, लेकिन आपको इस चीज़ से अवेयर ज़रूर होना चाहिए कि किस लेवल पर उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। जो चैंपियंस हमारे लिए मेडल लेके आए हैं वो रो रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के, वो भीख मांग रहे हैं। तो ब्रजभूषण नाम से एक संघ का, कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो उनके साथ में थोड़ी छेड़छाड़ किया है, सब कुछ किया है, तो उसको लेके हमारी बहन बेटियां जो है प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे। बाकी पूरा डिटेल आप न्यूज़ पे जाके देख लो मेरे भाई। ना इस वीडियो के थ्रू मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग उनको सपोर्ट करो, आई सपोर्ट माय चैंपियंस। अगर चैंपियंस है तो हमारे इंडिया का नाम रोशन है, चैंपियंस नहीं है तो बेरोजगारी भी है, स्पोर्ट्स ख़त्म है इंडिया से और बहन बेटियों की भी इज्जत नहीं है। बात ये पार्शियलिटी की नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गलत है भाई ऐसा करना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो आप भी न्यूज़ वगैरह में जाके देखो क्या सीन है क्या नहीं, इनको पता ज़रूर होना चाहिए कि पूरा सीन क्या है। तो भाई मम्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने जा रहे हैं हम इंटरनेट की दुकान पर साहब, तो आपको लेके चलते हैं इंटरनेट की दुकान पे। टाटा। तो भाई साहब बहुत स्ट्रगल के बाद में हम इंटरनेट की दुकान से फ्री हो गए, सारे काम करवा लिए जितने भी हमारे थे। थोड़ी धूप है, 3-4 दिन से बारिश आ रही थी,
मई का महीना है और मौसम आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है। मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ रही जितनी मई के महीने में पड़ती है, जैसी लू वगैरह चलती है। तो सीधा आप घर की तरफ चलते हैं, आपसे मिलते हैं आप घर जाके, टाटा। और घर जाके आपको थोड़े सरप्राइज भी दिखाने हैं। ये देखो गाइज हमारे अलवर का बुर्ज खलीफा, टन टना। ये हमारे अलवर का बुर्ज खलीफा देख रहे हो भाई, यहाँ से आकाशवाणी मतलब पूरे FM वगैरह पे, रेडियो वगैरह पे यहीं से आते थे भाई गाने वाने सुनने के सिस्टम पहले। अब तो खैर YouTube Facebook हो गया, TV हो गया, लेकिन ये पहले का बुर्ज खलीफा, इसके बिना मतलब लोगों का जीवन अधूरा सा था पहले। दुकान से घर आ गए, थक गए हैं, 2 घंटे तक इंटरनेट की दुकान पे बैठे थे और मम्मी के कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, उसको मैंने कम्प्लीट करवा दिया है। और दिन में कुछ बाहर खा लेते हैं तो शाम को कुछ खा नहीं पाते घर पे, तो मैं सोच रहा हूँ दिन में कुछ बनाता हूँ आज घर पे, कुछ मतलब स्प्राउट्स बनाता हूँ और किचन में आपको लेके चलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा शूट दिखाऊँ मैं मेकिंग का, और नीचे आपको लेके चलता हूँ। टाटा। आप कुछ कहना चाहोगे? सोच क्या रहे हो आप? जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे कि गाइस प्रो राइडर 1000 RIP, हाँ रेस्ट इन पीस। तो क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि मुझे पता चला है कि न्यूज़ में मैंने देखा कि इनकी बाइक 300 से ज्यादा स्पीड से थी, बाइक स्पीड में चला है। तो ये आपका फोन सा है, आप इसको भी बंद कर लो ना, ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर आए। हाँ अब आप अपने भाषण दे। हाथ छोड़ के चला रहा था, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस चीज का? मैंने उसका लास्ट वीडियो देखा है, ऐसे लोग तो और बंद करवाएंगे, वो बाइक को के माइक को ऐसे दिखा दिखा के YouTube भी बंद हो जाएगा, जैसे TikTok बंद हो गया। जैसे TikTok पे बात करते होते थे ना, वैसे YouTube पे व्लॉग में हो गया। ऐसे लोग देखते हैं एलन मस्क को मरवा छोड़ेंगे। एलन मस्क कहाँ से आ गया YouTube में बीच में? क्या हो गया ये? क्या हो रहा है इसकी जनता को? ऐसे बोलना चाहो तो उसका लास्ट व्लॉग चलाते हैं हम। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज अगर तुम देना चाहो, क्योंकि वो बंदा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो जाते जाते उसकी आत्मा को शांति मिले और लोग गलत मैसेज ना सीखे उससे, कुछ तो बोला यार उसका। अच्छा ये बोलना है कि ब्लॉग के चक्कर में अपनी लाइफ खतरे में ना डालें। अच्छा अपनी जान, एक सेकंड। हाँ अपनी जान को बचाने के, ये देख सुनने दो। तो भाई बढ़िया सिनेमैटिक वगैरह शूट करके, ये था क्या वो बंदा? तो गाइस करके वीडियो बना के मतलब अपनी लाइफ को खतरे में ना डाले, मेरा मैसेज ये है। गाइस करके खतरे में ना डालें अपनी जिंदगी को, ताकि दूसरे लोग आपके लिए गाइस करें। इसकी मम्मी पापा भी ब्लॉग में आते थे इसके तो यार। हाँ इधर इसे नोटंकी कर रहा था एक दिन, ओवर एक्साइटमेंट पर्सन था ये थोड़ा। वैसे बाइक्स वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा है इसका। इसके पापा तो आते रहते हैं ब्लॉग में। अरे रे रे रे, कंटेंट के चक्कर में यार। लेकिन हाईवे पे 300 चलाना, यहाँ पे तो स्पीड लिमिट मेरे हिसाब से 150 होगी ना यार। ओ शिट, 300 पे चला रहा है, 230-240। अरे यार भाई,
एक्सीडेंट का वीडियो तूने डाला है अभी? ये तो कल का है। अच्छा कल 300 पे चढ़ाने की कोशिश करी होगी जो कल चढ़ी नहीं होगी, जो आज चढ़ाई होगी लाल। 300 चढ़ाने के चक्कर में जिंदगी चढ़ गई उसकी। Z900 है 280 राइडिंग किट तो पहन के चला रहा होगा वैसे, पर 300 की स्पीड में राइडिंग किट भी कुछ नहीं करती यार। सही बात पूछो तो